गाइज इट्स प्रिटी ऑब्वियस कि तेजा एंड शमिता दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम है और काफी स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम रहती आई है, लेकिन स्पेशली करण को लेकर जो है और ज्यादा इन दोनों के बीच जो है फाइट्स होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि तेजा को पसंद नहीं है शमिता से वो दोस्ती करे और शमिता को लगता है कि वो करण से दोस्ती इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि तेजा का प्रॉब्लम है, तेजा बहुत इनसिक्योर है, बहुत पसेसिव है एंड वॉट नॉट, ये सब जो है शमिता तेजा के बारे में बोलती रहती है। एंड तेजा इज लाइक कि जब OTT की बात थी तभी उसे बड़ी तकलीफ थी राकेश और दिव्या की दोस्ती को लेके, तो अभी तो एटलीस्ट हम दोनों के बीच उसने पढ़ना नहीं चाहिए। ये चीज़ को लेके दोनों में लगता है एंड तक ऐसे ही जो कोल्ड वॉर है या फिर डायरेक्ट वॉर है ये हमें दिखाई देती रहेगी। आज के एपिसोड में भी हमें कुछ कम नहीं दिखाई दिया, लाइव फीड में तो हमेशा दिखता ही रहता है। अब इसके ऊपर एक एक्स कंटेस्टेंट ने यहाँ पे ट्वीट कर दिया है इन दोनों के इस फाइट को लेके एंड रादर यहाँ पे शमिता को गलत बता दिया है। बता दियो कौन है ये, किसने क्या ट्वीट किया है, देख रहे आप फीफा फूज, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी करने। वर कीश्वर मर्चेंट जो है उन्होंने ट्वीट किया है कि शमिता इज ट्राइंग रियली हार्ड टू टेल राजीव टू डू द राइट थिंग, वी ऑल नो वट दैट इज, पर राजीव नहीं समझना चाहता, गो राजीव। तो यहाँ पे जो है क्लियरली वो लिखते हैं कि शमिता जो है बहुत अपनी तरफ से कोशिश करती है राजीव को मैनिपुलेट करने की, बताने के लिए टू द राइट थिंग, एंड राइट थिंग इज ऑब्वियसली कि वो तेजा को सपोर्ट ना करे, चाहे जो हो जाए तेजा हारनी चाहिए। एंड तेजा को किसी भी टास्क में, स्पेशली अभी मैनिक्विन का टास्क है, वहाँ पे भी जो है वो नहीं चाह रही थी कि तेजा जो है वो जीते किसी भी हाल में, वो रश्मि को सपोर्ट कर रही थी एंड वो चाह भी रही थी कि हर राउंड में, अभी एवरी राउंड में तीन लोगों को बुला सकते हैं ना, तो बिचुकले, देवोलीना, रश्मि एंड तेजा, इन चारों में से एक जन को एक एक राउंड में बाहर बैठना है। अब इसमें जो है राजीव ऐसे डबल थॉट्स में आ जाते हैं कि मेरी बहन की सुनूं या वो करूं जो मुझे सही लगता है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं कल के लाइव फीड में भी अपनी बहन को एक्सपोज कर दिया है ये बोल के, निशान से बात करते कि यू नो शमिता इज ट्राइंग टू टेल मी कि नॉट टू सपोर्ट तेजा और मैं सपोर्ट करूँ देवोलीना को, देवोलीना को जिताऊं, बट यहाँ पे जो है मुझे पता है कि हाउ मच हार्ड वर्क तेजा हैज पुट इन राइट फ्रॉम डे वन, तो उसका ये जो चीज़ है, उसका जो बिहेवियर है टूवर्ड्स तेजा, उसको लेके मैं वो नहीं कर सकता जो मुझे लग रहा है गलत है, आई शुड डू द राइट थिंग। तो कहीं ना कहीं भले कितना भी मैनिपुलेट है, कितना भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश शमिता ने अपने भाई को की है, बट ही हैज इन द एंड नॉट लिसन टू हर एट ऑल, और उन्होंने वही किया है कि क्या करना थी तो क्या करना चाहिए, पर राजीव नहीं समझना चाहता, लाफिंग इमोजी, गो राजीव और क्लैप्स वाले दिए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कीश्वर जो है तेजा को सपोर्ट कर रही है और कह रही है कि शमिता जो कर रही है क्लियरली गलत है एंड राजीव को उससे मैनिपुलेट करने का कोशिश किया, बट राजीव ने वही किया जो सही चीज है। इस चीज के ऊपर बहुत लोगों के रिएक्शन आए हैं कि दीदी एंड प्रतीक ट्राइड टू मैनिपुलेट थेपला यानी राजीव, ये बोल के कि तेजा काफी अनकाइंड है, अपने पर्सनल ग्रजेस निकालती है, एक बहुत बड़ी रैंट उन्होंने की राजीव के सामने, फिर बताया आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस अ डिसीजन। यहाँ पे इनसिक्योर एक्चुअली कौन है, ऐसा क्वेश्चन मार्क है। तो कहीं ना कहीं ये शमिता के अगेंस्ट आ रहा है और कई ऐसे फैंस हैं जिनका मानना है ट्वीट्स के यहाँ पे रिप्लाई में अगर आप जाओगे तो आपको ही पता चलेगा कि वहाँ पे लोग लिख रहे हैं कि बहुत सारे जो पास होते हैं शमिता जो बात करती है तेजा के अगेंस्ट उसे लाइव फीड से भी कट किया जाता है और एपिसोड में भी नहीं दिखाया जाता, कभी कभी कोई कोई सीन्स में दिख जाता है तब क्लियर होता है कि जो तेजा बोल रही है अबाउट शमिता कि उसको प्रॉब्लम है तेजा से, वो कहीं ना कहीं बात सही नजर आ रही। तो क्या आपको लगता है कि शमिता को जेन्युइनली तेजा से प्रॉब्लम है या फिर यू नो तेजा मिसअंडरस्टूड कर रही है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कीश्वर का जो कहना है, कीश्वर मर्चेंट का, कितना आप अग्री करते हो उससे और कितना डिसएग्री, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारे साथ बनी रही है फीफा फूज पे, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।